दो लोगों के बीच में सामंजस्य अच्छा ना हो, मतांतर हो, मतभेद हो, तारतम्य ठीक नहीं हो, आपस का तालमेल बहुत बढ़िया नहीं बन रहा हो, तो सब खराब हो जाता है। आज मैं उसी चर्चा को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आपके अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन यानी मैरिटल लाइफ यानी आपकी शादीशुदा जीवन में किसी भी तरह की अगर समस्या है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एक चौकोर डब्बा बनाना है, यानी ऊपर लाइन खींचे, फिर दोनों साइड से लाइन खींचे और फिर नीचे, यानी पूरा एक डब्बा बन जाएगा ना। उस डब्बे को एक बार इधर बीच से और एक बार ऊपर से लाइन खींच दीजिए, यानी चार अलग अलग खाने बन जाएंगे। चारों खानों में पहले खाने में आपको लिखना है 7, उसके ठीक बगर ऊपर वाले ही खाने में आपको लिखना है 9, 7 के ठीक नीचे लिखना है आपको 13, और उसके जस्ट बगल में कॉर्नर वाले नीचे वाले खाने में लिखना है आपको 19। ये नंबर उसी रस से जो हल्दी मिला के आपने रखा है उससे लिखना है और इसका पूरा पूजन करिएगा। और इसको कैसे भी करके अपने बेड के बैक साइड में जहां नहीं दिखाई पड़े वहां पर चुपचाप चिपका दीजिए। यह आप कर सकते हैं अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, सोमवार या गुरुवार या प्रदोष के दिन। इनमें से किसी भी तिथि में आप ये अगर करते हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में त्वरित लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। ये इतना चमत्कारी प्रभाव है।